ओम शांति दीदी। ओम शांति। सो ऑल दोज हु आर लिसनिंग इन अ व्यक्ति परिवार एंड हियर, दिस इज द यस, आई रिक्वेस्ट थॉट दैट यू विल स्टार्ट विद ओम मंडली। यस, दिस इज ओम मंडली एंड दैट्स व्हाई आई एम रिक्वेस्टिंग दैट ऑल दोज हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी प्लीज स्विच ऑन योर ट्रांसलेशन सिस्टम बिकॉज यू विल नीड द ट्रांसलेशन because Om Manli is in Hindi right now. So we will be speaking in Hindi. So let me know if you all are set. Om Shanti, Om Manli mein aapka swagat hai. Om Manli mein aapka swagat hai. Dhanyawad. आज से हम एक छोटी सी सीरीज शुरू कर रहे हैं। नई सीरीज? हाँ, छोटी सी, कुछ दिनों की। सुनाई दे रहा है आपको? या थोड़ा नजदीक नहीं है, स्पीकर नहीं है। ठीक है, चलो। नहीं सुनाई दे तो आप बताइएगा तो मैं फिर से। वो कहाँ गया है? वहाँ तो सुनाई पड़ रहा है, क्लियर ना? हाँ, मेरे को वो थोड़ा सा एको होता है ना। चलो ठीक है। तो यह संकल्प था आज हमको कि हमको आपके साथ कुछ साल पहले जाके आपकी जीवन की यात्रा देखनी है। अच्छा, तो आप हमें अपने साथ उन दिनों में ले जाइए और हमें एक एक कदम का साक्षात्कार कराइए आपकी जीवन यात्रा का। करेंगे। तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, तो स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि मैं आपके साथ 21 साल से तो रहती हूँ पर मैंने हमेशा आपकी कहानियों को पीसीस में सुना है, इसमें 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 इसमें, बट अभी हम सारा सीक्वेंस में सुनना चाहते हैं। सुनना चाहते हैं, सभी सुनना चाहते हैं, सभी सुनना चाहते हैं। अच्छा, तो अभी एक दिन में तो ये होगा नहीं, इसलिए हम कुछ दिन लगाएंगे इसमें, थोड़ा 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 करके। और तो सबसे पहले दीदी, आपका जन्म कौन सी साल में हुआ और कहाँ पर हुआ और कौन सा दिन आपका बर्थडे का दिन है, और आप जितना मैं पूछूं थोड़ा थोड़ा बताइएगा क्योंकि फिर बहुत सारी डिटेल है उसकी। मेरा जन्म कब हुआ मुझे तो याद भी नहीं है। 1941 में हुआ। अब हाँ, 1941 पे, और कराची में हुआ, और कौन सा दिन था वो तो याद नहीं, पर ये ज़रूर मुझे वो कहते हैं कि जन्माष्टमी का दिन था और करीब रात को 12:15। अरे वाह, सो ऑलमोस्ट कृष्ण का जन्म, आपका जन्म साथ साथ मनाया इसलिए गया मैं होगा। हमेशा जन्माष्टमी पर ही भोग और जन्मदिन मनाती हूँ, कोई भी दिन हो। तो ऐसे हम 15 अगस्त को मनाते हैं, पर वो बिकॉज जन्माष्टमी थी इसलिए उस समय। हाँ, वो डेट 15 अगस्त, 15 अगस्त थी जिस दिन जन्म हुआ, क्योंकि इंडिपेंडेंस तो बाद में हुई ना, पार्टीशन तो 47 में हुआ, तो इसलिए हम उसको कंबाइन कर लेते हैं। 15 अगस्त उस जब जन्म हुआ तब वो जन्माष्टमी का दिन था, तो कंबाइंड हो गया ना जैसे, तो इसलिए 15 अगस्त को मनाते हैं। तो आपका जन्म हुआ तब तो आपको कुछ याद नहीं होगा, बट बाद में आपको अपनी पास्ट की हिस्ट्री का थोड़ा बहुत तो बताया होगा कि उन दौरान कराची में जब जन्म हुआ तो घर में कौन कौन थे उन दिनों में जब आपका जन्म हुआ घर में? अरे बाप रे, ये तो सब नहीं याद है, पर जब
पार्टीशन हुआ 1947 नहीं नहीं वहाँ नहीं जाना है, 1941 में रहना है। नहीं, मैं ये देख रही हूँ कि क्या याद है वो 6 साल का, 41 और 47 के बीच में। नहीं वो मैं आगे पूछूंगी बहुत आपको बहुत दीदी। कुछ याद नहीं है, पर पार्टीशन का थोड़ा थोड़ा याद है, लेकिन ज़्यादा याद है जब पार्टीशन के बाद दिल्ली में थे, नहीं नहीं वो बाद में दीदी। बस उतना ही वहाँ से। नहीं, सर्टेन एज के बाद का याद नहीं है। मुझे पता है आपको बात का याद है, बट कुछ शेयर तो किया होगा ना आपकी माता जी ने, आपकी बहनों ने, कुछ तो बताया होगा ना इनके बारे में, ये सब आपके टाइम के बारे में। पापा तो कहते हैं सब भूल जाओ, आप मेरे को कहते हो याद करो। देखिए आपका जीवन बहुत वैल्यूबल है, तो हम जानना चाहते हैं आपके जीवन के बारे में, ताकि नहीं बहुत सारी आत्माएं प्रेरणा ले सकें। या मैं अप्रिशिएट करती हूँ, पर मुझे उससे पहले का बिल्कुल ख्याल में नहीं है, अच्छा, तो क्या आपके सुनाया वो भी याद में नहीं है। लौकिक पिताजी के साइड एंड आपके लौकिक माता जी के साइड कितने रिलेटिव्स हैं पिताजी के देश साइड? सहते के संबंध भूलो। नहीं, हम लोग तीन बहनें हैं, दो बड़ी बहनें और एक भाई बड़ा। तो अच्छा, सबसे पहली बहन, सबसे बड़ी बहन चंद्रा बहन जो मॉरिशियस में थी, और दूसरी बहन, ऐसे वो शादी की हुई थी पर हाँ समर्पित वो हो। बाद में आएंगे दीदी। अच्छा, और हाँ दूसरी बहन इंदिरा बहन थी, वो बॉम्बे में थी, और मैं सबसे छोटी थी, और भाई लक्ष्मण भाई। आपसे भी छोटे हम भाई, आपसे भी छोटे थे? नहीं, नहीं, चंद्रा बहन, लक्ष्मण भाई, इंदिरा बहन और मैं। तो भाई सेकंड नंबर। ओके, और आप सबसे छोटे। सो मैंने सुना है कि आपके लौकिक पिताजी ने शरीर छोड़ दिया था, तो कितनी आयु थी आपकी जब उन्होंने देखो, शरीर छोड़ा? किसी ने कभी भी मेरे सामने वो बात की नहीं, हमने जानने की भी कोशिश की पर कोई नहीं करता था, क्योंकि जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो हम सब छोटे होंगे ना, तो हमारे लौकिक में माता जी के तीन भाई, उनको मामा बोलते हैं शायद, तो सबने एक एक को एडॉप्ट कर लिया। सबसे बड़े ने चंद्रा बहन को, बीच वाले ने, और मेरे को सबसे छोटे मामा, जो बहुत ही बहुत स्मार्ट थे, उन्होंने IAS किया, उन्होंने मुझे वो बाद में। पढ़ाया। आप कितनी एज के थे अबाउट जब उन्होंने शरीर छोड़ा मुझे था? नहीं मालूम, बिल्कुल नहीं, 2 3 4 कुछ यह आप भी ही पूछ रहे हैं, ना कोई किसी से सुना ना बताया। कई नहीं। बार हमने फोटो भी, उन दिनों में तो क्या कहाँ फोटोग्राफ होते थे, तो एक आध कोई देखा होगा तो आपके तो। पिताजी के साइड के कोई भी रिलेटिव को आप जानते हैं? कुछ को जानते हैं क्योंकि हम लोग दिल्ली में थे, हमारे माता जी का साइड और पिताजी के साइड के सब बॉम्बे में थे, उनका अच्छा, बिजनेस वगैरह था, हम लोग गवर्नमेंट के उसमें थे। हाँ, तो आपको जब से समझ आई मतलब बचपन में, तब से आपने अपने आप को नाना के घर ही पाया है? नाना और मामा मामाओं के और साथ। मासी हैं, तो आपको बहुत बड़ी याद, फैमिली थी। आपको कुछ भी कराची का कुछ भी याद नहीं है? कुछ भी नहीं? अभी कोशिश कर रही हूँ तो भी याद नहीं आ रहा अच्छा, है। तो अभी आप बताइए कि कराची से दिल्ली कौन सी साल में आए और कैसे आए? या जहाज में आते थे ना उन दिनों, बोट में नहीं, शिप में। और जैसे मैंने, मतलब हम लोग लकी थे, पार्टीशन की डेट थी 15 अगस्त या कुछ, मतलब तो हम लोग तो 2 3 हफ्ते पहले गवर्नमेंट की तरफ से सारा अरेंजमेंट था, शिप में सब सामान रखा। मुझे शिप का भी इतना याद नहीं, पर ये तो मालूम है कि शिप में ही आए थे हम, सारा सामान आया, और जब आए तो एक बहुत बड़ा बंगलो, काफ़ी कमरे थे, हम लोग
हम तो कितनी बड़ी फैमिली साथ रहते थे, मासी मामा सब तो एक्सटेंडेड उसमें फैमिली। दीदी आप, आपकी लौकिक माता जी, आपकी दो बहनें, आपके भाई, मामा, तीन तीन सब तो नहीं मामा, रहते थे वहाँ, नहीं जब दो आए तो ये सभी दो साथ आए, दो दो मामा हाँ, साथ आए, उनका फैमिली, और फिर मासी हैं वगैरह, दो मतलब मासी। क्योंकि इतना बड़ा था कि जैसे हवेली सी होती है ना, तो एक्सटेंडेड मतलब बड़ी फैमिली में बड़े हुए हम। जैसे खाना बनता था 30-40 तो थे ही हम। फिर बड़ा विधि पूर्वक बहुत कुछ हमने सीखा बचपन में ना, अपनी बड़ी फैमिली में रहने के कारण। मर्यादाएं क्या होती हैं, बड़ों का सम्मान क्या होता है, छोटों से कैसे प्यार से चलना होता है, बहुत अच्छी तरह रहते थे सब। तो आप शिफ्ट हुए 1947 में, 46 था या 47, अच्छा, तो दिल्ली में आए, बड़ा फैमिली, सब साथ मुझे ही पता रहते होता कि आप पूछें तो मैं लिखना शुरू कर देता। थे। दीदी एक्चुअली मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि लोग मुझसे पूछते हैं तो अच्छा कई चीज़ें मुझे भी नहीं पता है, तो मैं नहीं, लोगों को ये नहीं बताना चाहती जो बात राइट नहीं हो और थोड़ी कनेक्शन में ना बैठती हो। तो हमने कहा क्यों ना हम सब साथ में ही पूछ लेते हैं आपसे, ताकि हमारे पास प्रॉपरली राइट इन्फॉर्मेशन ये हो। लोग भी पूछेंगे। वो लिख रहे हैं अच्छा क्योंकि वो हमारे साथ टीम में है, सो सब हमारे, तो हमारे पास जब भी कोई क्वेश्चन करेगा तो हमारे पास आंसर होंगे ना, इसलिए। तो 1947 ले लेते हैं आपके शिफ्ट होने का ईयर, और हमको जहाँ तक पता है कि आपकी जो पासपोर्ट में डेट है, जन्म पत्री में, वो डिफरेंट लगाई गई है, तो वो स्कूल के कारण। तो कई, उन दिनों में स्कूल का अभी तो कारण, कई लोग मुझे सुनाते हैं कि कॉलेज स्कूल में सर्टेन एज चाहिए होती थी, कि अगर आप स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं तो आप कम से कम इतने साल का होना चाहिए। तो वहाँ तो कहीं भी जाके वो लोग डेट चेंज करा देते हैं बर्थ सर्टिफिकेट में, तो उन्होंने 10 अप्रैल कर दिया, थोड़े महीने पहले जाने से 1 साल बच गया स्कूल में। पर ये बातें बताने की तो नहीं होती इसलिए हैं। क्योंकि कई लोग को पासपोर्ट कॉपी आपकी दिखती है तो मुझे पूछा जाता है कि आप इस दिन क्यों नहीं मनाते हैं, तो इसलिए, ये तो हमारा परिवार है, प्लीज आप आगे मत बताइएगा इस बात को। नहीं इसलिए हाँ, एक ही डेट होनी चाहिए ना, दो क्यों होनी चाहिए। हाँ तो इसलिए हमारे एरिक भाई है ना न्यूयॉर्क में, तो वो 14 अप्रैल को केक बना दस दस के, अप्रैल 10 अप्रैल को ज़रूर केक बना के आते हैं मुझे याद दिलाने के लिए कि तुम यही बोलना डेट, क्योंकि मैं हमेशा 15 अगस्त कहती हूँ। वो कहते हैं नहीं बोलना है आपको, 10 अप्रैल बोलना है। पर अभी देखो ये सब बातें थोड़ी पूछनी होती है। इट्स पार्ट ऑफ द जर्नी दीदी। तो आप, मैंने ये भी सुना है कि आप जब जहाज में सब आए तो गवर्नमेंट ने आपको, आपके फुल फैमिली को बहुत कुछ रिस्पेक्टफुली सब लाने भी दिया, और आप लोग बहुत वेल सेटल भी हो गए सभी बड़े बंगलों में। और तो आपने स्कूल वगैरह फिर दिल्ली में ही स्टार्ट किया था, और तब भी आपकी बहनें वगैरह सब पढ़ रहे थे, वहीं पढ़ रहे थे, सभी मामा, उनके बच्चे वगैरह सभी वहीं पर थे, नाना वगैरह सभी। सभी वही थे। और आपने एक बार मुझे कहा था कि आपके एक मामा अहमदाबाद में पहले से ही, तो जब आप आए पार्टीशन से तभी वो चले गए थे अहमदाबाद या पहले दिल्ली में ये आए? तो पता नहीं है, पर उनकी जो जॉब थी वो अहमदाबाद में फिनेंशियल एडवाइजर थे गवर्नमेंट के, अच्छी पोजीशन थी। उन्होंने ही फिर बाद में हमको हेल्प की सेंटर खोलने में। तो आपने अपनी स्कूल 1947 से स्टार्ट की, जरूर 47 से ही की होगी ना। मतलब उससे पहले कुछ भी नहीं किया आपने स्कूल नहीं में? स्कूल में जाते थे वो थोड़ा थोड़ा याद है, स्कूल कहाँ था फिर, तब तो पैदल ही जाते थे। अच्छी स्टूडेंट थी मैं। इंग्लिश मीडियम था? नहीं स्कूल में तो हिंदी ही होती है ना, फिर बाद में चॉइस देते हैं इंग्लिश स्कूल या, तो हाँ इंग्लिश स्कूल में ही पढ़े। इंग्लिश स्कूल, तो
तो घर में सभी कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? हम लोग सब हिंदी बोलते थे, सभी क्योंकि सब पढ़े लिखे थे, वो ये कहते थे कि हमारे बच्चे जब बड़े हों तो उनका एक्सेंट ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे गुजराती बोलते हैं तो ओम शांति को डिफरेंट बोलते हैं या पंजाबी बोलते हैं। तो क्या था कि ये बहुत फ़ायदेमंद रहा, क्योंकि जब हमको हिंदी में प्रॉपर बोलना था ना, तो हम लोग घर में क्योंकि हिंदी बोलते हैं तो हिंदी की मतलब ठीक एक्सेंट लेक्चर्स के या कुछ भी करते थे तो हिंदी में ही जैसे कि लैंग्वेज चल रही थी। इंग्लिश बोलते थे जब कोई ऐसी बात हो, नहीं तो हिंदी में ही पढ़ते थे, क्योंकि हमारे नाना जी पोस्ट मास्टर थे, सब मिनिस्ट्रीज में थे अच्छी पोजीशन पर, तो इंग्लिश भी बोलते सो थे। दो मामा मिनिस्ट्रीज में थे और नाना पोस्ट ऑफिस में एक जो थे। सब जिन्होंने मुझे अडॉप्ट किया वो IAS ऑफिसर था, वो आपको पता है बाबा मेंशन करते ना, पहले ICS होता था, उसको कहते हैं इंडियन सिविल, फिर जब इंडिपेंडेंस हुई तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो ये लोग 27-26 साल तक आपको सिर्फ एग्ज़ाम दे सकते हैं, सब कुछ पढ़ना होता है, सब किताबें सब। तो वो बहुत इंटेलिजेंट था और उसी की वो कन्या थी ना शांति बहन, आप में से सब जानते होंगे, तो वो भी मैथमेटिक्स मास्टर्स डिग्री थी, मतलब अच्छी बुद्धि थी। तो मतलब हम लोगों को भी फिर उसी तरह से उन्होंने पढ़ाया कि आप लोग भी सबको एजुकेशन होनी चाहिए अच्छी तरह से। तो क्या हुआ, हमारी पालना ऐसे हुई कि हमें कभी ये मिसिंग नहीं फील हुई लाइफ में, ना हमने कभी पूछा ना वो हमको बताते थे कि कोई खुशखबरी तो नहीं है, अच्छी बात तो, परंतु ड्रामा है तो तो दो बात और कराची की, कि आपने मुझे कहा था कि आपकी एक मासी, आपकी टोटल 3 मासी थी या दो? हमारे वो लोग 4 बहनें, एक माँ चार और बहन, 3 बहनें। 3 बहनें तो और जो सबसे बड़ी मौसी थी, तो देखो यज्ञ जब कराची में शुरू हुआ तो सभी जाते थे, सभी जाते थे, हमारे ग्रैंडफादर भी जाते थे, सब ग्रैंडफादर भी जाते थे, मतलब सभी। पापा के हाँ, पापा के पापा। अच्छा, तो जब जाते थे, नहीं मदर के, हाँ मदर, नाना। नाना, अच्छा अच्छा चलो दादा नहीं नाना। हाँ तो एक सबसे बड़ी उनकी लड़की शादी की हुई थी, का नाम गोपी वल्लभ था, तो उन्होंने शादी की, उन्हीं दिनों में उमनली शुरू हुई। वो लोग गए तो समर्पित हो गए, आए ही नहीं वापस। तो हमारे नाना जी को बहुत ही दुख हुआ इस बात का कि मेरी लड़की चली गई, अभी अभी तो शादी की थी। तो उन्होंने कहा सब बंद करो बंद करो, कोई नहीं जाएगा, अभी हलचल होने लग गई थी ना जब लोग घरों छोड़ करके। तो वो भी गोपी दादी ही थी ना, तो मासी एंड मासा दोनों ही कराची दोनों में। दोनों हमारे समर्पित हो गए 37 में। और आपने मुझे एक बार दीदी ये भी बताया था कि आपके लौकिक पिताजी जिनके साथ बिजनेस करते थे वो भी किसी के दादी दादी रिलेटिव, गुलजार के जो फादर और मेरे फादर पार्टनर्स थे बिजनेस दादी गुलजार जी के पिताजी, में। लौकिक पिताजी, और आपके लौकिक पिताजी दोनों बिजनेस में पार्टनर्स थे। नहीं पर ये देखो ना कि तो हमारा यज्ञ से संबंध उस समय से उस है। समय था तो जब 1951 में ऊपर माउंट आबू से बहनें आई, तो उनको कैसे पता चला, मतलब वो हमारे घर में आए, दो तीन दादियाँ थी एक दो भाई थे, उन्हें पता चला ना गोपी दादी के कनेक्शन, उसने ही बताया होगा हो सकता है। तो वो आए, उन्होंने बताया हम अभी आए हैं, थोड़ी हेल्प चाहिए, कोई मकान हो टेलीफोन है ये हो, तो हमने सब सेटअप करके दिया सारा उनको, जो तो जब भी देखो वो आ जाते थे क्योंकि सो आप तब 10 साल के थे ना दीदी, हाँ 51 में आए या दादियाँ, दादियाँ तब बहनें थी और तो वो मैं सेवाएं शुरू। 10-11 साल, सो 51, 52, 51 में आए ना वो लोग। वो लोग 51 में आए। तो आपने सबसे पहले ब्रह्मा कुमारियों को 51 में देखा, अपने घर में ही देखा? अपने घर में देखा, कई ब्रह्मा कुमारी बहनें थी,
मनमोहिनी दीदी थी, कई मतलब दादियाँ थी उस समय, वो लोग सब 35 35, और बड़ा अच्छा उनको देखते ही इतना लगा ये तो बहुत अच्छे हैं, भोले भाले हैं, पर एकदम सफ़ेद कपड़ों में जो बहुत अट्रैक्ट हुई मैं, तो मैंने कहा तो बहुत अच्छा है, पर हमको अलाउड नहीं था उनसे बहुत बात तो आपने करना। दूर से देखा, मतलब हाँ आए तो हमने देखा, फिर हम सबको भगा दिया, बोलो वो तुम। नाना के पास बैठे हुए हाँ थे। वो नाना जी कहते थे कोई भी जाएगा उनके सामने नज़र मिलाएगा तो जादू लग जाएगा, तो आने ही नहीं देते थे, मिलने नहीं देते थे। और आपको ये पता है बच्चों को कि जितना ही मना करो उतने ही, हम तो ज़रूर मिलेंगे। तो वो बड़े बड़े क्वार्टर थे तो फ्रंट से आते थे, और जो पीछे का दरवाज़ा था वहाँ से वो निकलती थी, तो हम लोग वहाँ खड़े रहते थे कि जब ये निकलेंगे तो हम बात करेंगे। तो फिर हम उनसे पूछते थे तो कहते थे कि बाबा बाबा, हमने कहा वो बाबा कौन है, बोला पहाड़ी पर रहता है, इतनी आई हो तो हमने सोचा कोई एक बुड्ढा बाबा वहाँ रहता होगा, फेरी टेल की तरह लगता था, तो क्या खाता है आपका बाबा, हमने कहा हमारे पास तो बिस्किट है, चॉकलेट है, लॉलीपॉप है, ये हम भेज सकते हैं, हमारे पास तो कुछ और है नहीं। तो बाबा हमारा पेड़ा खाता है, हमने कहा भाई पेड़ा तो मंगा देंगे, पेड़ा ले लो, तो हमको 20 20 रुपए मिलते थे, तो हम सब बच्चों ने 2 2 रुपए डाल के उनको, तो ये 20 रुपए ले लो, पेड़े ले लो, बोला नहीं वो तो घर में बना हुआ खाता है, हमने कहा ये तो हम क्या कर सकते हैं घर में। फिर पता नहीं कैसे करके जो घर की माताएं थी, हमने उनको कहा कि आज थोड़ा ज़्यादा दूध मंगा लो, तो वो जब आएंगे तो उनको कढ़ाई दे देंगे, वो घुमाते रहे पेड़ बनाने में, तो गाढ़ा फिर उन्होंने पेड़ बनाए, बाबा के पास ले गए, फिर बाबा को मेरा भी परिचय दिया, तो वो तो कहते हैं वहाँ तो एक बहुत अच्छी कुमारी है। आपको पता है ब्रह्मा कुमारियों को पता लगे ना कुमारी है, तो वो कुमारी तो बस ऐसे फिर बाबा की तरफ से टोली आने लगी। तो दीदी, आपने कहा कि पहली बार आपने देखा, तो फिर कितनी बार मुलाकातें हुई ऐसे? मतलब ये बात तो एकदम एक मुलाकात में तो नहीं हुई होगी ना? नहीं एक दो बार, मतलब वो तो आते ही रहते थे ना। आते मोर ऑफ्टन, हाँ मतलब कई बार फिर आते थे। उन्होंने, हम लोगों ने उनको एक क्वार्टर दिलाया, फिर यू नो हर तरह से जो प्रबंध चाहिए होता है तो वो सब करके दिया हमारे लौकिक मामा जी तो ने। आपके नाना को बिल्कुल नहीं पता था कि आप उन लोगों से मिलते हैं? नहीं पता लगता है ना, वो तो गार्ड की तरह आगे बैठे रहते हैं वो फ्रंट में लिविंग रूम में, कौन कितने बजे आया कितने बजे गया, सबकी चेकिंग होती रहती थी, तो इतना मुझे याद नहीं है, लेकिन हम लोग पीछे मिलते थे। तो सिर्फ बच्चे मिलते थे लेकिन कि सभी जो बहनें भी? घर में जो माताएं थी ना, माता जी थी मामी थी, वो सब बैठ के सुनते थे, ये गोला है ये झाड़ है। तो वो बैठ के टाइम स्पेंड करते थे आप लोगों के साथ, मतलब पीछे के साइड से जाके आप लोगों के साथ बैठ के नहीं बातें वो हाँ करते नहीं, हमसे बातें तो चलते फिरते ही होते थे, थे, और माताओं से माताओं के साथ बैठते थे, वहाँ घर में ही अभी बैठ घर में के, आते हैं तो कोई ऐसा तो नहीं ना। तो पीछे से आके बैठ हाँ के तो बातें मेरे को होती। कहते थे, पर नाना जी कहते थे बच्चे नहीं बैठ सकते, बच्चों को नहीं बैठाना है, तो काफ़ी मतलब ऐसे चलता रहा काफ़ी साल तक। तो आप अभी एक और बात, आपने कई बार अपने अनुभव में ये सुनाया है कि जैसे आपने अभी शुरू शुरू में भी बताया कि फैमिली बैकग्राउंड वैल्यूज सिखाई जाती थी, और आपने एक बार ये भी शेयर किया था कि कैसे आप लोगों की हेल्प करते थे, चाय बना के, कुछ कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई थी, तो ये सब कब हुआ था? मतलब इससे पहले हुआ था नहीं या? 47 में जब लोग आए ना तो कईयों के माँ बाप चले गए थे, कईयों के बच्चे, तो ऑर्फन्स थे लोग बेचारे, ऐसे ही घूम रहे थे, बहुत ख़राब हालत होती थी। तो क्या होता है देखो, इंडिया में तो घर बड़ा था, बाहर बहुत बड़ी मतलब मेन रोड था, तो प्याऊ लगा देते थे, बड़े बड़े मटके भर के पानी के रख दिए, लोग गुजरते गुजरते पानी पी लें। फिर हमारे पास बहुत बड़ा आंगन था जहाँ हम लोग गर्मी में सोते थे खेलते थे, तो उसके ऊपर एक छज्जा लगा के ना बहुत अनाज रखते थे बर्ड्स के लिए, तो सवेरे सवेरे हम लोग यमुना नदी से
15 मिनट की दूरी पर थे, तो सवेरे सवेरे 100-150 तोते कबूतर ऐसे आते थे, तो ये लोग अनाज रखते थे। वो लोग तो हमको कहते थे, नाना जी देखो उन लोगों ने नहा भी लिया, उनका ब्रेकफास्ट भी हो गया और आप लोग सो रहे हो, तो कम से कम उनके समय तो उठो। तो हम अर्ली उठने लग गए, मतलब ऐसे एग्जाम्पल देखे ना कि देखो उनका तो ब्रेकफास्ट भी हो गया, तो ये सारे 100 के 100 तोते आएंगे खा के उड़ जाते थे। फिर दूसरे ऐसे हमने देखा, फिर हमको कहते थे कि देखो जो भी सूर्य उदय होने के बाद ब्रश करते हैं ना, तब दांतन होता था राइट, उसको सिर में दर्द हो जाता है, तो भाई रोशनी से पहले ही ब्रश करना है। तो जैसे जल्दी उठने के कारण बताते थे अगर आप ये करोगे, और रात को सबके तकिए के नीचे माला, जब बिस्तर लगता था सब बच्चों का तो माला नीचे तकिए के रख देते, हमारी किताबें रखते थे कि हमें पढ़ना है, सबसे ऊपर गीता होती थी कि आपको एक पेज रोज पढ़ना है, कुछ समझ तो आता नहीं था, ऐसे पलट लेते थे। और सवेरे उठो 3 बजे पढ़ो फिर सो जाओ, तो जैसे स्कूल जाओ तो फ्रेश रहो। तो जब बाबा के पास आए 3 बजे उठने की बात आई, तुमने गए तो बहुत अच्छा है, हम तो पहले से ही उठते थे। फिर हर तरह का होता है ना, आपस में संबंध अच्छे रहें, एक दूसरे से सम्मान से बात करो। अभी देखो बिस्तर पर जब आप पलंग पे चढ़ते हैं तो चप्पल कहाँ उतारनी चाहिए, कैसे उतारनी चाहिए वो सिखाएंगे। फिर ये बताते थे कि जब आप कमरे में आ रहे हैं, अभी तक भी किसी ने नहीं देखा होगा मेरी चप्पल साइड में नहीं हो, क्योंकि अगर आप बीच में चप्पल रखते हैं तो जो बेचारा जाता है वो गिर सकता है ना। उन्हीं दिनों में रेड क्रॉस शुरू हुआ था, और रेड क्रॉस पार्टीशन में जो अफेक्टेड लोग थे उनको हेल्प करने के लिए ज़्यादा होता था। तो भाई अभी केला है छिलका रास्ते में नहीं गिरो तो रेड क्रॉस में से, क्योंकि वो फिसल जाएगा ना आदमी अगर केले का छिलका है। तो छोटी छोटी बातें जो आजकल ना कोई करता है ना कोई सिखाता है कभी भी, तो ये मुझे अभी तक भी याद है। और दूसरा, क्यों एक पूरा कैंपस होता था ना, और भी थोड़े घर थे तो उसमें ब्राह्मण होते थे, एक दो दो तीन कुत्ते भी होते थे, वहाँ तो कोई पालता नहीं, पर होते हैं गायें भी घूमती थी, तो सबके लिए खाना निकलता था, गाय की रोटी निकलती थी, फिर कुत्तों का होता था, फिर ये ब्राह्मणों के लिए भी निकलना है, फिर बच्चों को मिलता था, फिर बुजुर्गों को, फिर माताएं खाती थी। तो हम ये देखते थे, फिर अग्नि जलती थी तो पहले थोड़ा अग्नि में घी डाला, फिर ये डाला, क्यों डालते हो ये क्या है, बोला देखो तत्वों से हम लेते हैं तो तत्वों को देना चाहिए। तो शुरू से मैंने ये देखा कि आपके पास जो कुछ है वो शेयर करो, तो वो मेरे में चैरिटी के संस्कार बहुत बचपन से थे, और फिर बाद में भी जैसे हमेशा कि आज मेरा भाग्य है मुझे ये मिल रहा है। हाँ, तो यूएन में हम कहते हैं फॉर्चुनेट एंड लेस फॉर्चुनेट, तो जिनका कम है उनके साथ अपना भाग्य अगर आप शेयर करेंगे तो आपका भाग्य और अच्छा होगा, ऐसी भावना से मैं बड़ी हुई और अभी तक भी मेरी नेचर है। मैं जब लंदन में आई तो चाय पियेंगे तो डॉक्टर ने बोला, कहती है ऐसे नहीं होता है, अपनी चाय बनाओ और पियो, नहीं तो चाय ही बनाते रहोगे। मैंने कहा मैं तो पी नहीं सकती जब तक मैं बना ही रही हूँ, एक कप की जगह 4 बना लूँगी। वो कहने एक ही बनो, मतलब कुछ ऐसी बातें हमने बचपन में सीखी, कई कारण थे कि हमारे जैसे बच्चे सड़क पर घूम रहे हैं उनका कोई नहीं है, तो फिर उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया एजुकेशन के लिए कि गरीब बच्चों को फी दे के उनको पढ़ाना चाहिए, और बच्चे वो बड़े हुए बड़े बड़े ऑफिसर्स बन गए बाद में। तो मैंने बहुत देखा है कि चैरिटी से अपने पुण्य कर्म कैसे करने होते हैं, और जो हमारे पास है अगर वो 10 लोग खा सकते हैं तो हम क्यों ना खिलाएं ना, मैं क्यों खाऊं। दीदी एक और बात, आप जैसे बचपन से बड़े हुए तो
सबसे पहले आपने घर में भक्ति के एटमॉस्फियर में क्या देखा, किसकी पूजाएं होती है, किस तरह का आप भक्ति बैकग्राउंड था आपके उसमें, वो बताएंगे थोड़ा? तो बड़े बड़े कमरे थे, उसमें से एक काफ़ी बड़े साइज़ के कमरे में मंदिर था, जिस मंदिर में फुल साइज़ देवी देवताएं थे। उनमें भी देखो जो मेटल के होते हैं ना, मतलब वो नहीं थे जो आजकल मार्बल वगैरह के, फिर थोड़े छोटे साइज़ के थे, फिर उससे छोटे छोटे थे। तो हम सब की ड्यूटी लगती ये थी, कौन से देवी देवताएं थे? लक्ष्मी नारायण, राधे लक्ष्मी नारायण, कृष्ण, गणेश, हनुमान, सभी सब देवी देवता? सब देवी देवताएं रखते थे। अच्छा। जहाँ जगह होती थी एक और मूर्ति रख दो, एक और रख, तो ऐसे करके हमने पूजा करना सीखा। फिर रात को उनको सुलाना होता था, बिल्कुल ऐसी दिनचर्या चलती थी जैसे हमारी, अभी नाश्ते का टाइम है, अभी नहाने का टाइम है, नहलाते थे उनको बकायदा, छोटे वाले जो होते थे। फिर रात को सोने से पहले वेलवेट के ब्लैंकेट उनमें सुलाते थे, और उनकी जो ड्रेस बनती थी वो वही जो हमें दिवाली पर नए कपड़े मिलते थे। जब भी हमें नए कपड़े मिलेंगे ना, इंडिया में ऐसा ही होता है ना, इस दिन नए कपड़े डालो, तो वो एक्स्ट्रा कपड़ा लाके उनके भी कपड़े सिलते थे। तो जैसे हम गुड़िया और टॉयस से नहीं बड़े हुए, हम ठाकुरों के साथ बड़े हुए जैसे, तो वो मुझे बहुत अभी भी याद है पूरा मंदिर। और रोज़ रात को तो मेरे को भक्ति अच्छी लगती थी, पर फिर मैं रात को जब हमारी आरती होती थी ना फाइनल, तो मेरे में ज़्यादा थी, वो कहते थे चलो आप ही कितने करना। बजे करते थे दीदी? हाँ 9:30 बजे 9:30। आरती करके सोते थे। तो आरती करते करते जैसे मेरा बात करने लग गई मैं श्री कृष्ण से, तो सबको घर में ये लगता था, इतने तक कि मेरे नाना जी बहुत पढ़ते थे सारा दिन गीता। या मोहिनी तुम पूछना ज़रा आज भगवान से ये, मैंने कहा आप ही पूछ लेना, आप तो कितना। तो मैं फिर जाती थी कृष्ण के सामने, उसको कहती थी कि तुम मुझे जवाब देना यस और नो में, तो अगर तो आपको नो कहना हो तो ये जो ज्योति जल रही है ना ये हिलेगी, तो मैं समझूंगी नहीं, अगर तुम्हें हाँ कहना है तो वो स्थिर रहेगी। तो मुझे एक्यूरेट आंसर मिल जाता था। अब जब हिलती थी तो मैं उनको कहती थी भाई ऐसा लगता है कि भगवान नहीं कह रहा है, अच्छा जब ये स्थिर रहती है तो भगवान कह रहा है। ये मेरा कम्युनिकेशन था श्री कृष्ण के साथ, बहुत मित्रता थी। दीदी, आपको बचपन में कोई साक्षात्कार, कोई ऐसा अनुभव भक्ति के दौरान? नहीं साक्षात्कार वगैरह नहीं हुआ, पर जब मैंने फिर किस तरह से थोड़ा योग सीखा नहीं, बाद, वो बाद वो में, पर बात। जब पहले हाँ आप बाबा के बिल्कुल आने से पहले, सामने बस कृष्ण की मूर्ति होती थी, उससे बातें करते रहते थे। तो आपने गीता से इंट्रोड्यूस हुए भक्ति में, तो मालाएं जपना वगैरह किया? माला ओ जपते थे या तो? विदाउट फेल, अब कितनी समझ थी या नहीं थी, तकिए के नीचे माला सब क्या बोलते थे दीदी सोने जब से माला पहले, जपते थे तो? राम 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 श्री राम कृष्णा राम नहीं, श्री कृष्ण राम राम, कुछ भी अलग अलग? ये मालाएं फेर करके फिर तकिए के नीचे रख दीदी के। आपने कोई व्रत वगैरह, कुछ उपवास? उपवास तो ज़रा मुश्किल होता है ना तो भी सबसे बड़ा हमारे यहाँ होता था सत्यनारायण की पूजा, तो उसमें चूरमा बनता था, इंतजार करते थे नारियल खजूर, तो प्रसाद जो बनता था। तो बड़े बड़ी फैमिली थी तो सवेरे से बनाना, जैसे यहाँ पर सवेरे से किचन चलता है ना, तो हमारे पास भी ऐसे ही, क्योंकि प्रसाद बनता है, अब कोई पड़ोसी आते हैं पंडित आता है उसको भी देते थे। तो बड़ी धूमधाम से दिवाली का त्यौहार, पूजा बहुत धूमधाम से सब होता था, खाना भी बहुत बनता था, खिलाते भी बहुत थे। दीदी, आपके फैमिली में कौन कौन से त्योहार आप लोग बहुत कैसे मनाते थे, नहीं मतलब? त्योहार के अलावा तो देखो बड़े घरों में तो सोमवार भी मनाते हैं, शंकर जी का दिन है, मंगलवार विष्णु जी का दिन है, बुधवार हर दिन किसी न किसी देवता के होता ही है, शनि देव वो बाहर आते थे, वो साधु की तरह दिखते थे, एक वो लेके आते थे उसमें शनि देवता, शनि देव डालो तेल डालो,
मतलब हमने बचपन से देखा, हर आते थे बाहर के लोग आते थे तो हम भी देखते थे कि हर दिन कोई ना कोई देवता की पूजा होती थी, कोई दिन ऐसा नहीं। नहीं फिर भी दीदी और जैसे संडे को हाँ सत्संग लगता था जिसमें सब बच्चों को गीत गाना है, भजन गाना है, हारमोनियम, तो मुझे हारमोनियम भी आती है, तबला भी अच्छा आता है, ढोलकी भी आपको आती बजाना है। आता है हारमोनियम? हाँ, सारे गामा सारे गामा पर सारे गामा, अच्छा एक टीचर आती थी वो सबको, फिर भजन गाते थे उसके ऊपर, और फिर संडे को अपने ही सब हम बच्चे सत्संग करते थे, तो इनाम मिलता था, जो अच्छा गाएगा तो इनाम भी मिल जाते थे। दिवाली के दिन सोने के सिक्के भी आ जाते थे, लक्ष्मी आएगी आएगी, नींद आ जाती थी 12 बजे से पहले, तो सवेरे उठते थे तो तकिए के नीचे दो दो सिक्के। उन दिनों में जॉर्ज सॉवरेन का सिक्का सिर्फ 94 रुपीज़ में था, पता नहीं आप में से, क्योंकि देखो हमारे परिवारों में ना सोना चांदी हीरे जवाहरात ज़रा ज़्यादा चलता है, तो बच्चों को भी मिलता रहता था हमेशा। नहीं पर फिर भी जैसे दिवाली है, होली हाँ, है, सब मनाते रक्षाबंधन है, सारे त्योहार बहुत धूमधाम से अच्छे। मनाते हैं ना? सवेरे सवेरे रक्षाबंधन के दिन एक पुरोहित आएगा, वो बहुत सारे धागे लेके आता, ऑरेंज कलर के धागे, गांठे बंधी हुई हैं, वो लेकर के आते थे, और एक एक बच्चे को, एक एक बड़े को, एक वो राखी बनती थी और एक फिर जो अपनी बहन भाइयों का चलता है, बहुत अच्छी तरह त्योहार तो खूब बनाते। दिवाली में फटाके भी फोड़ते अरे वाह, क्यों नहीं फोड़ेंगे थे उन दिनों में फट कैसे फटाके सब, मतलब इतने जबरदस्त नहीं थे जो कान फट जाए जो आजकल बम फट रहते हैं, लेकिन फुलझड़ियाँ और वो जो होते हैं ना अनार बोलते हैं, मतलब जिससे नुकसान भी नहीं हो और बच्चे भी कर सके, बहुत अच्छी तरह होता था। और मैंने कहा ना दिवाली पे तो भाई 12 बजे तक रुकोगे, लक्ष्मी आती है चम चम करेगी, जो जगेगा उसको ये मिलेगा। अब बैठे रहते थे बैठे रहते, फिर 10 बजे नींद आ जाती थी, सो जाते थे, तो भी सवेरे थोड़ा थोड़ा, क्या है कि मेरे ख्याल से उस समय माता पिता के मन में ये होता था कि इनको पैसा भी हो सोना भी हो, और हमारा ग्रैंडफादर पोस्ट मास्टर था, 20 रुपए मिलते थे, कहता था 10 रुपए सब अपने पासबुक में डालो, सबसे 10 रुपए लेके एक एक का पास, तब पासबुक बोलते थे बैंक में, तो जाते थे 10 रुपए जमा। तो मैंने इकोनॉमिक्स वहाँ से सीखी कि पहले 100 रुपए मिलते थे तो 10 रुपए रख दो एक तरफ, कई मेरे से पूछते हैं ना इतना बड़ा यज्ञ आप चलाते हो कैसे चलाते हो, तो मैंने कहा मैंने बचपन से पैसे की डीलिंग बहुत सीखी, एक तो भगवान की उससे सीखी, फिर घर में भी सब कहते थे ये लक्ष्मी है इसमें बरकत है, तो जो जिसकी भी तनख्वाह आती थी वो मेरे को आके देंगे, फिर मेरे से बजट लेते थे इतना अनाज के लिए चाहिए इतना ये चाहिए, तो वो फिर जब मैं ज्ञान में आई तो बाबा सारे यज्ञ की शॉपिंग हम लोग करते थे, 1,000 गज ब्लाउज का कपड़ा चाहिए, 500 ये चाहिए, तो हम सब मतलब परिवार यज्ञ ही था तो ले जाते थे, तो बाबा कहता था कितने रुपए में, मैंने कहा बाबा ये 5 रुपए में, बोला तुमको बार्गेन नहीं आया, 3 रुपए में होना चाहिए, तो मैंने कहा बाबा अगली बार जाऊंगी तो उससे बात करूँ, चप्पलें ले जाते थे, दुकान की दुकान ले जाते थे, तो यज्ञ था वहाँ कौन दे, बड़ी बड़ी बुजुर्ग दादी है हमारी, तो हम लोग हमारे मैं और हम दो तीन घर में जितने थे वो सब यज्ञ के लिए ले जाते थे, पहली ट्रक मतलब मिलिट्री बेचती थी तो हम लोगों ने लेके यज्ञ को दी, पहली बस खरीदी, उन्होंने यज्ञ में कुछ भी नहीं था, तो दिल्ली में जान पहचान थी और जितना हो पाता था हम लोग यज्ञ के लिए, तो ऐसे यज्ञ में शुरू शुरू में। दीदी लास्ट क्वेश्चन फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। गुरुओं का क्या बैकग्राउंड रहा आपका? क्योंकि आपने एक बार क्या ये चीज गुरु 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 गुरु, करना, अरे वाह, मतलब वो भी आपने एक बार सुनाया था कि कैसे आप या क्या था कि देखो हर एक परिवारों में होगा उस समय, लेकिन जो परिवार होते हैं अच्छे तो उनके गुरु तो होते ही हैं, लेकिन फिर हम लोगों ने वहाँ पर जो हमारे गुरु रहते थे हरिद्वार में, बहुत अच्छे गुरु थे,
उनको बहुत पसंद नहीं था कि सब पैर छुए ये वो, फिर मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि हम क्यों पैर छुए हैं ना। तो वहाँ पर हमने घर बनाया हुआ था, हर छुट्टियों में 2 महीने हरिद्वार चलो। तो हमने बहुत गंगा में नहाया है और हरिद्वार में रहते थे। पर जब गुरु वगैरह की बात आती थी ना तो मेरे को थोड़ा संकोच होता था, क्योंकि एकदम मुझे पवित्रता शुरू से पसंद है, कोई मुझे टच नहीं करे। शुरू से बचपन से मैं कहती थी कि मेरे को कोई टच नहीं कर सकता, तो भी गुरु के पास जाओ पैर, मैंने कहा ये तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए भी मुझे बाबा का ही अच्छा लगा कि मुझे जाके ब्रह्मा बाबा के पाँव नहीं पड़ना है या ये वो। तो गुरु घर में भी आते थे, हम भी जाते घर में आते थे गुरु थे। लोग, और मतलब आपके फैमिली में तो गुरु करते होंगे ना, मतलब या जो नाना त्योहार वगैरह। हुआ गुरु जी तो आएंगे, पंडित आएगा, गुरु आएंगे, ब्राह्मण आएंगे, उनको खिलाएंगे, सब कुछ ये तो चलता। आपका स्कूल बैकग्राउंड कैसा था कि आप वहाँ भी स्कूल ड्रेस पहन के ही जाते थे ना, तो आप स्कूल में कैसी आपकी पढ़ाई देखो उन रही? उन दिनों में तो लड़कियों का अलग स्कूल होता था, लड़कों का अलग होता था। तो मैं उन दिनों में क्या बोलते थे उसको, मतलब हाई स्कूल था, फिर हायर सेकेंडरी हो गया, रही 10 और फिर 11 स्कूल पढ़े। फिर उसके बाद तो थोड़ा ज्ञान में आने लगे तो ब्रह्मा बाबा ने कहा पढ़ो, बच्ची पढ़ती रहो। और नहीं, हमारे ज्ञान से पहले आपने एक बार सुनाया था कि आप बहुत अच्छी स्टडी में आपका रैंक आता था, आप सर्टिफिकेट लाते थे, इनाम नहीं, लाते मेरा थे, तो क्या था कि मेरे को डिसिप्लिन और हेल्थ क्लीनिनेस, तो हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट होती थी तो मैं हेल्थ मिनिस्टर भी थी और डिसिप्लिन, और मॉर्निंग प्रेयर कराना सबको, सिर्फ मैं नहीं मतलब और भी कई बहनें होती थी, तो प्राइज बहुत मिलते थे हेल्थ के। हेल्थ मतलब एक स्वच्छ, मतलब रुमाल ले जाओ, टॉवल, मतलब जैसे। और पहले पहला जो इनाम मिला उसमें एक साबुन था, एक छोटा तौलिया था, छोटी सी चीज़ थी, ऐसे लेकर के स्कूल से घर गए, इनाम मिला है आज। आज मैं सोचती हूँ कि वो भी क्या इनाम था, लेकिन कहने का मतलब कि मिला ना सब बच्चों के बीच में, भाई ये कईयों को मिलता था, लेकिन जैसे एक और ठीक मार्क्स आते थे हमेशा, मॉडरेट, यू नो, बहुत होशियार भी नहीं, बहुत वीक भी तो नहीं। आपके सबसे छोटे मामा जिसको गोपाल दादा कहते थे, और छोटी मामी जो गीता दीदी जो अभी श्रीकोट में है, उनकी बेटी शांति दीदी जिन्होंने बहुत साल श्रीकोट में सेवाएं दी, तो वो तो आपसे 10 साल छोटे थे, तो उसका मतलब तो उनका जन्म 51 में हुआ होगा, तो वो तो दिल्ली में ही हुआ होगा, तो आपके सामने सामने ही उनका जन्म भी हुआ, और आपकी जो बड़ी बहनें थी उनका भी मैरिज हुआ होगा, दिल्ली में ही हुआ होगा, तो ये सब बाबा से मिलने से पहले हुआ था, 51 से पहले हुआ था आपकी बहनों की शादियां? एक बहन चंद्रा बहन की हुई थी फिर 51 में या बाद, मुझे पूरा याद नहीं, थोड़ा इंदिरा बहन का थोड़ा याद है मुझे। बाद में। अच्छा, तो अभी हम 1951 तक पहुंचे हैं, अभी आगे की स्टोरी हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो ये दीदी का थोड़ा सा लौकिक बैकग्राउंड और बड़ी अच्छी तब अच्छी तो बातें। बस लौकिक फिर वहाँ पूरा हो गया, फिर तो अभी अलौकिक ही रहा है। हाँ, पर लेकिन फिर भी क्योंकि मेरे को ये सब थोड़े मैनर्स वगैरह थे तो बाबा बहुत पसंद करता इसलिए हम जानना चाहते थे था दीदी कि आपका लौकिक बैकग्राउंड किस प्रकार के से, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी सीखने की बातें होती है, जो पहले की लाइफस्टाइल कैसी होती मतलब थी। ऐसे नहीं होता था कि बातें करो उसकी सुनो, वो तो शुरू से ही नहीं था। आपके स्कूल में कोई फ्रेंड सर्कल कुछ कुछ भी नहीं था ऐसा? मामा मुझे हमेशा कहती थी ये सतोगुणी कन्या है, ये यज्ञ कन्या है, इसमें कोई ऐसी आदत नहीं। मेरे को, मैं सुनती भी हूँ ना तो कोई मुझे कहे ना सारी बात रिपीट करो, मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैं ऐसे सुनती हूँ कि बीच बीच में मिस हो जाए थोड़ा, तो मैं पूरी बात नहीं रिपीट तो करती। दीदी, आप पढ़ाई में अच्छे थे, आप हारमोनियम बजाते थे, आप सिंगिंग भी करते थे, गाते भी थे आप?
सिर्फ भजन गाते थे कि और भी कुछ गाते थे? मतलब कोई गाना जैसे नहीं वो देशभक्ति के नहीं गीत हो या कोई और भी गीत गाते होंगे, जैसे? लेकिन इतना मुझे याद है कि हम लोग जब सेंटर्स खुलते थे उन दिनों में बहुत लोग तो नहीं थे नहीं ये नहीं। लौकिक की बात पूछ रही हूँ मैं, हाँ स्कूल डेज की वो तो बात। भजन गाते थे सब। भजन ही गाते थे। और कोई हॉबीज आपकी थी? खेलना, कोई गेम, सब खेलते थे बैडमिंटन खेलते थे, बहुत क्रिकेट? अच्छे, बहुत अच्छी तरह दीदी खेलते थे। क्रिकेट कभी खेले हैं आप बचपन क्रिकेट में? भी नहीं, वो तो दादी के साथ। हाँ नहीं बचपन में, नहीं इतना नहीं स्कूल खेलते थे, में। वो तो लड़कों के गेम समझते थे, नहीं देते थे खेलने। लेकिन हाँ हाई जंप, लॉन्ग जंप, क्योंकि मैं टॉल थी ना काफ़ी, और तो यहाँ कूदना है वहाँ तक 11 फीट तक, काफ़ी लंबा लॉन्ग डिस्टेंस, रास ऊपर गरबा, ऊपर भी ये चली सब जाती रास गरबा थी। वगैरह, डांसिंग, नृत्य। नहीं डांसिंग तो फिर रास की, बाबा के आने के बाद जब ट्रेन में जाते थे तो रास करते थे बहुत। आपको कैसे प्रकार के ड्रेस बहुत पसंद? बहुत सिंपल ड्रेस, और जो फैशन है वैसे ही नहीं, कभी नहीं पहनती थी। मेरा अपना ही डिज़ाइन होता था, अपना ही सब होता था। मैं बहुत पॉपुलर थी अपने कपड़ों के कारण, वो सब मेरा डिज़ाइन ले जाएंगे, क्योंकि मेरी बहन बॉम्बे में थी ना, वो सारी टेलरिंग वहाँ से करके मेरे कपड़े बनवा के भेजती थी, तो अच्छी अच्छी ड्रेस होती थी। लेकिन कभी टाइट नहीं, स्लीवलेस नहीं, बहुत काला वगैरह नहीं, लेकिन अच्छे कपड़े बहुत पहनती रोया। थैंक यू दीदी सो मच, दैट वाज वेरी गुड। सो अभी तो थोड़ा सही हुआ है, अभी बहुत आगे की लंबी जर्नी है। सो 51 तक तो हम पहुंच गए हैं। सुनने वाले तो थक जाएंगे। नहीं, कोई थके नहीं? कोई नहीं, अव्यक्ति परिवार, कोई नहीं थका है। थैंक यू दीदी। सो हम आगे कंटिन्यू करेंगे कल। ओम शांति अव्यक्ति परिवार। सो अभी हम ओम मंडली का गीत तो गाएंगे, ओम ओम क्या। मंडली का गीत बजाएंगे। हाँ, बाबा को ओम ध्वनि करेंगे। हाँ, ओम ध्वनि भी करेंगे और बाबा को याद करेंगे और दीदी से दृष्टि भी लेंगे। पहले ओम ध्वनि करेंगे और फिर हम गीत के साथ बाबा को याद भी करेंगे। मैं हमेशा ये कहती हूँ नानी दादी माँ बाप को, बच्चों को छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा कुछ सिखाओ। आजकल कुछ भी नहीं, बस अच्छे स्कूल में जाओ, IIT के में जाओ, जल्दी जॉब मिले, कमाई करो रहे, और कई चीज़ें बच्चों में है ही नहीं। एक 28 साल का भाई मुझे फ़ोन करता है, मोहिनी बहन थोड़ा गीता पर आपसे जानना है। मैंने कहा पढ़ी है गीता, सुनी है? कहता नहीं, देखी भी नहीं है। तो मैंने कहा पहले गीता जाओ खरीदो पढ़ो थोड़ा, तो फिर मैं आगे समझाऊँ ना। और हम लोग थे तो रामायण गीता भागवत समझ नहीं आती थी, पर पढ़ते तो थे ना, सुनते तो थे ना। तो आजकल नहीं रही ना वो लाइफ, इसलिए संबंध भी सुख के नहीं है। छोटी छोटी बात पे डिवोर्स करो, अलग हो जाओ। अभी 50 साल इकट्ठे रहे, कल उनका सेरेमनी कर रहे थे। चलो अच्छे, हाँ थैंक यू आप सब।